नमस्कार, सावित्री की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सावित्री की रसोई में बनेगा सीधा, तो उसके लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है, पूरा कप नहीं भरा है, और देखिए, और मैंने ये शक्कर ली है, इसकी आधी शक्कर ले ली है, और इधर कुछ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स है, गरी है, बादाम है, और ये काजू है, जो टुकड़ा काजू है, 3 से 4 काजू, 3 से 4 बादाम, थोड़ी सी मैंने गरी ली है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स जो हैं इनको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट करना है इन्हें हमें। मैंने कढ़ाई रख दी, उसमें हम ये डाल देंगे काजू बादाम और गरी, इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। देखिए ये रोस्ट हो चुके हैं, और इनको हम कढ़ाई से निकाल देंगे, ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएंगे और ये तैयार हो। अब हम क्या करेंगे, हम अभी इसमें हमने बिल्कुल भी घी नहीं डाला है, तो इसी में हम ये आटा डाल देंगे। आटा को भी हम मीडियम आंच में भून लेंगे, और इसका कलर चेंज होगा इसमें जब तक खुशबू नहीं आती, इसे बराबर की तरह चलाते रहे, नहीं एक जगह छोड़ देंगे तो एक जगह जल सकता है, कम या ज़्यादा भुन जाएगा, देखिएगा आपका भुनना जैसा, पर इसमें खुशबू नहीं आनी चाहिए जो इसमें असल में आनी चाहिए। देखिए कलर चेंज होने लगा है, और खुशबू भी आने शुरू हो गई है। हमें इसी तरह से मीडियम स्लो में ही इसे भूनना है। देखिए बढ़िया से पहले के आटे में अब में कितना अंतर है, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए ये कच्चा आटा है और ये भुना हुआ है, तो इसमें कितना अंतर, कितना हो गया, फर्क आ गया है। अब ये भून के तैयार हो गया, बस इसे 1 मिनट और इसी तरह से चलाना है। कढ़ाई अभी गर्म है हमारी, और छोड़ना भी नहीं है। देखिए आटा भून चुका है, तो अब इसको हम प्लेट में निकाल देते हैं, और गैस मैंने बंद कर दी है, इससे ज़्यादा ना हो जाए, जल ना जाए, तो हम इस प्लेट में निकाल देते हैं। आटा निकाल दिया है, और ये सेम कढ़ाई मैंने ली है, तो अब इसमें हम जितना हमने आटा लिया था उसका डबल हम इसमें या 2.5 गुना पानी डाल, इसमें हम पानी डाल देंगे इसका। और हम ये शक्कर डाल देंगे इसमें, और आप पेव शक्कर का बनाना चाहते हैं तो आप पेव शक्कर का बना सकते हैं, या आप मेरी तरह से मिक्स करके बनाना चाहते हो गुड़ शक्कर का, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। तो मैंने इसमें 2 कप पानी डाल लिया, 1 कप मैंने आटा लिया था तो उसका डबल पानी डाल दिया है। अब इसे हम उबाल लेते हैं, ये उबलेगा पानी तब तक गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा। गुड़ पूरा घुल गया है, और शक्कर भी घुल गई है, इसे हमें उबलने नहीं देना है, और इसमें हम इसी टाइम ये आटा डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। देखिए पूरा ही आटा इसमें डाल दिया और मिक्स कर दिया है। इसमें मैंने 3 कप पानी डाला है, 1 कप आटा में 3 कप पानी हुआ है। अब आटा आपका जैसा हो, मेरे जैसा हो, तो इसमें इतना ही पानी लगेगा, और यदि आपका आटा बाहर का रेडीमेड है, मार्केट का है, तो आप उसमें कम लगेगा, वो आपके आटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसमें कितना पानी जाएगा। अब इसको हम अच्छे से पका लेते हैं। देखिए अभी उबालने वाला है, अभी आपको हम दिखाते हैं, अभी आपको ये पतला लग रहा होगा ना, जब ये अभी उबलने वाला है, अभी उबलेगा अच्छे से तो और गाढ़ा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमें अभी इतना ही पतला रखना होगा। तो इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए उबाल लेते हैं, अच्छे से इसे पका लेते हैं। आटा भुना है, बस पानी हमारा है वो ठंडा था, तो उसको ही हमें उबालना है, आटा कच्चा है नहीं, हम धीमी आंच में पकाएंगे तभी हमारा आटा अच्छे से खुशबू वाला तैयार होगा। तो देखिए आपके सामने ये उबलना स्टार्ट हो गया है, हम 3 से 4 से अच्छे से उबाल लेते हैं, और इसमें हमें डालनी है सौंठ। सौंठ आप जानते होंगे काफ़ी लोग, तो और नहीं जानते हो तो ये अदरक का पाउडर है, ड्राई जिंजर पाउडर है, तो इसको तो गुड़ में डालना, इस हलवे में डालना, सीरे में बहुत ही ज़रूरी होता है। जब हम सौंठ इसमें डाल देते हैं तो ये समझ लीजिए आप इस सीरे का
तो इसमें चार चांद लग जाते हैं। जो मैंने शीरा बनाया है ये पहले ज़माने में बनता था, हमारी दादी नानी के टाइम। आप लोग कम पसंद करते हैं, लेकिन मुझे आज खाना था, मुझे पसंद है, तो मैंने सोचा आज हम बनाते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट आप ज़रूर करें। साइड में बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दें। और अब हम ये डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने डाल लिए हैं, 3 से 4 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से उबल चुका है। ये उन लोगों के लिए है जो घी से परहेज करते हैं, तेल से परहेज करते हैं, ऑयल फ्री खाना पसंद करते हैं, जो फैटी है उन्हें लो फैट चाहिए, तो उनके लिए ये शीरा परफेक्ट रहेगा। मैंने इसमें एक भी बूंद घी या तेल कुछ भी नहीं डाला है। और तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आप भी बनाइए। या ऐसे लोग होते हैं फैटी, तो वो खाने के लिए तरसते हैं, तो उनके लिए मैंने ये बनाया है, वो भी खाएं और हमारे साथ इंजॉय करें। तो लीजिए, अब मैं इसमें एक बाउल में सर्व करती हूँ।